हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद अधिगम। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है अधिगम के सिद्धांत की, वह है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, जिसे अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके और भी अन्य नाम हैं, जैसे संकेत संकेतन सिद्धांत भी कहते हैं इसको, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। प्रत्याशात्मक सिद्धांत जो है वह भी इसका जो है अन्य नाम है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह कौन है? टॉलमैन, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो टॉलमैन जो है, इनका ये मानना है कि प्राणी जो है जो भी व्यवहार करता है तो वो जो है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है, किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है, ठीक है। और अधिगम जो है, यहाँ पर इन्होंने इसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना, तो ये भी गेस्टाल्टवादी ही माने जाते हैं। तो इसमें उन्होंने जो है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद को जो है शामिल करना, ऐसा ये कहते हैं। ये कहते हैं कि जो प्राणी है उसके द्वारा बहुत सारे विकल्प हों, तो प्राणी किसी विशेष विकल्प बिंदु को चुनता है तो उसको जो है सफलता प्राप्त होती है, और उस विशिष्ट विकल्प बिंदु के साथ उसकी क्या जुड़ जाती है? प्रत्याशा जुड़ जाती है, और इस प्रकार उस विशिष्ट विकल्प बिंदु से संबंधित चिन्ह जो है उसके माइंड में सेट हो जाता है, और जब भी वो प्रयास करता है तो उसके साथ वो कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है उसका प्रयास। वो चिन्ह जो है जो उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है प्रत्येक प्रयास करने पर, तो वो सुदृढ़ हो जाता है। तो टॉलमैन ने अपना प्रयोग जो है चूहों के दो समूहों पर किया। तो उन्होंने जो है एक भूल भुलैया जो है वो बॉक्स लिया, जिसमें जो है चूहों को छोड़ा। तो जिसमें एक जो समूह था इसको भूल भुलैया में जैसे ही पार कर लेता था चूहा, तो अंत में जो है उसको भोजन की प्राप्ति होती थी, ठीक है। तो इस वजह से वो रास्ता जो है वह सीख गया, और चूहे के जो दूसरा समूह था तो उसको जो है अंत में भोजन नहीं मिला, तो वो रास्ता नहीं सीख पाए। तो यही इनका कहना है कि लक्ष्य के मार्ग पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि अनुक्रिया करने पर। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद की बात जो है ये टॉलमैन करते हैं। ये कहते हैं कि हम उन चिन्हों से सीख लेते हैं जो कि हमें अर्थ सिखाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में उद्देश्य का जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की बात ये कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, व्यक्ति किसी नए व्यवहार को तो सीख लेता है, लेकिन उस व्यवहार का तब तक वो प्रदर्शन नहीं करता जब तक उसे प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित न किया जाए। तो ये टॉलमैन जो है, इन्होंने अव्यक्त अधिगम का संप्रत्यय जो है वो प्रस्तुत किया है। इसे प्रस्तुत करने का जो मुख्य आधार है वह टॉलमैन तथा होंजिक द्वारा जो चूहों पर किए गए प्रयोग हैं। तो इनके साथ जो है एक व्यक्ति और रहे, होंजिक, ठीक है। तो जिन्होंने चूहों पर जो है ये भूल भुलैया वाला प्रयोग किया, इन प्रयोगों के आधार पर टॉलमैन ने ये निष्कर्ष निकाला कि अधिगम व निष्पादन दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। ये संभव है कि किसी प्राणी में अधिगम तो संपन्न हो जाए, परंतु वह उस अधिगम को निष्पादन के रूप में प्रस्तुत ना करे। अतः इस प्रकार के अधिगम को जो निष्पादन के रूप में प्रदर्शित ना हो, उसे ही हम अव्यक्त, यानी जो व्यक्त ना हो, वह अधिगम कहलाता है। ये कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद जो है इसकी शुरुआत ये करते हैं, इनका मानना है कि जो प्राणी है उसके द्वारा किए गए सभी व्यवहार जो है वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं, तथा व्यवहारवाद में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद को ही शामिल किया जाना चाहिए। एक ना एक उद्देश्य जो है प्राणी जो है डिसाइड करता है, और उसी उद्देश्य को पाने के लिए वह अपना रास्ता बनाता है। टॉलमैन ने अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना। टॉलमैन ने संज्ञानात्मक मानचित्र का संप्रत्यय प्रतिपादित किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूहों का जो एक समूह था भूल भुलैया में उन्होंने छोड़ा, तो चूहे जो हैं वो अपना संज्ञान का प्रयोग करके जो है उस भूल भुलैया में जो है यहाँ से अपना रास्ता जो है वो खोज लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए संज्ञानात्मक पर आधारित है ये सिद्धांत। और उसके बाद अंत में जो है उनको क्या मिलता है? भोजन मिलता है। तो इस वजह से वो रास्ता सीख जाते हैं। और दूसरा समूह जो कि रास्ता नहीं सीख पाया, उसका कारण क्या था? कि उन्होंने संज्ञान का तो प्रयोग किया, लेकिन अंत में उनको भोजन नहीं मिला। प्रत्याशात्मक
प्राणी द्वारा विभिन्न विकल्प बिंदुओं में से जब किसी विशेष विकल्प बिंदु को चुनने पर सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि चूहों को जो है वो सफलता प्राप्त हुई जब उन्होंने रास्ता पार किया, तो उस विशिष्ट विकल्प बिंदु के साथ उनकी क्या जुड़ जाती है? प्रत्याशा जुड़ जाती है। अंत में जो भोजन मिला तो अब उनके अंदर जो है क्या जुड़ गया? प्रत्याशा जुड़ गई। इस प्रकार उस विशिष्ट विकल्प बिंदु से संबंधित चिन्ह जो है वो मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। अब उनके माइंड में जो है वो भोजन जो है उनके माइंड में जो फिट हो जाता है, और उसके लिए वो क्या करते हैं? रास्ता फटाफट से खोजने की कोशिश करते हैं, और प्रत्येक प्रयास के साथ जो है वो कैसा हो जाता है? सुदृढ़ हो जाता है। तो एग्जाम में जो है वो यही पूछा जाएगा, इनके सिद्धांत का नाम पूछा जाएगा, प्रयोग इन्होंने किस पर किया? तो इनका जो प्रयोग है वह चूहों पर हुआ। नेक्स्ट देखिए, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, स्थलगत सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वह किसका है? कुर्ट लेविन का सिद्धांत है। लेविन फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग 1917 में ये सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया। लेविन जो है वो जर्मन संज्ञानवादी विद्वान है। ये भी किस पर बल देते हैं? समग्रता पर बल देते हैं, प्रत्यक्षीकरण पर बल देते हैं और संज्ञान पर बल देते हैं। तो व्यवहारवादी जो विद्वान हैं, जैसे स्किनर हैं, पैवलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, हल थे, गुथरी थे, तो इनके सिद्धांत को जो है ये नहीं मानते। ये मानते हैं कि हमारी जो इंद्रियां जैसा देख रही हैं तो उसके प्रति वैसे ही जो है वो प्रतिक्रिया करती हैं। प्रत्यक्षीकरण की बात जो है ये करते हैं। गेस्टाल्टवादियों के साथ इन्होंने कार्य किया। जहां पर हम व्यवहारवादियों की बात करें तो वो बात करते हैं कि जो वातावरण है उसमें दो चीजें होती हैं, उद्दीपक और उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया, ठीक है, लेकिन ये इसकी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा बल जो दिया है वह अभिप्रेरणा पर बल दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। लेविन का मानना है, इनकी जो थ्योरी है फील्ड थ्योरी, तो इनका मानना है कि जो स्थान है, वातावरण ही वह तत्व है जो व्यक्ति को सीखने और कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, ठीक है। इनके सिद्धांत को तल रूप सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने जो है कई गणितीय शब्दों का प्रयोग जो है इस सिद्धांत में भी किया, जिनको हम पढ़ेंगे अभी। लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है ये कहता है कि मानव व्यवहार जो है, यानी कि जो अधिगम है, लर्निंग जो है, व्यवहार का मतलब यहाँ पर है अधिगम या लर्निंग, सीखना, तो व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। तो इनका जो क्षेत्र सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति अधिगम करता है तो वो दो चीजों का प्रतिफल है, एक व्यक्ति और उसका वातावरण, ठीक है। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात ये कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको सूत्र दिखाई दे रहा है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। बी इज इक्वल टू फंक्शन है किसका? पी और ई का। तो बी का अर्थ है बिहेवियर यानी व्यवहार, सीखना। जो फंक्शन है किसका? पी यानी पर्सन, वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, और ई से इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, ठीक है, मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो इन दोनों का ही प्रतिफल है जो भी हम सीखते हैं, जो भी मानव का व्यवहार है वो व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने में गणित यानी ज्यामिति के कुछ शब्दों का प्रयोग किया। तो इन्होंने जो है वो क्षेत्रफल का प्रयोग किया यहाँ पर, लाइफ स्पेस यानी जीवन विस्तार जो है उसका जो है प्रयोग इन्होंने किया। तो जीवन क्षेत्र में वातावरण के भी सभी जो है तत्व शामिल इन्होंने किए, जिनके प्रति व्यक्ति जो है वो प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। हमारे जो वातावरण में सभी तत्व जिनके प्रति जो है वो प्रतिक्रिया की जाती है तो वो जीवन क्षेत्र में ही आ जाएगी। तो इसमें जो है वो व्यक्ति आ जाएगा, वस्तु आ जाएगी, वो स्थान आ जाएगी, वो घटना, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा, जिसके संपर्क में आते ही व्यक्ति जो है उसके बारे में सोचता है, कल्पना करता है। दूसरा इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो किया तल रूप। तो तल रूप जो कि मनुष्य में वातावरण और प्रत्यक्षीकरण और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है एक आकृतिजनक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति यानी कि हमारे वातावरण में दो ऐसी शक्ति होती हैं, एक जो है सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। सकारात्मक जो कि हमें जो है हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है, और नकारात्मक जो कि हमें वहां से जो है दूर हटाती है। ये जो है एक बाधा का काम करती है। जैसे कि
हमें जो है भूख लगी है, तो भूख के लिए भोजन जो है जिसके प्रति हम आकर्षित होंगे। वहीं पर देखिए, यदि भोजन के बीच में जो है कोई बाधा आ जाए, यानी भोजन हमें ना मिल पाए, तो वो एक नकारात्मक शक्ति होगी, वो बाधा का कार्य करेगी। मान लीजिए हमें जो है पढ़ाई करनी है शांत कमरे में, ठीक है, और तो हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है कि हमें पढ़ना है, और हम जो है उसके लिए क्या, वो जो शक्ति है वो क्या है, आकर्षण शक्ति है। लेकिन वहीं पर साइड में जो शोरगुल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो एक बाधा का काम कर रही है, जो कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोकती है। उसके बाद देखिए, एक और शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, वेक्टर। वेक्टर जो कि व्यवहार को प्रेरित करता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है वेक्टर्स, यानी जिसको सादिश कहते हैं, ये गणितीय शब्द जो कि कुर्ट लेविन ने प्रयोग में लिए। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो कि व्यवहार को, जो अधिगम को, यानी सीखने को जो है वो प्रभावित करती है, प्रेरित करती है। तो यहाँ पर दो शक्ति हैं, दो तत्व हैं इसके, आकर्षण है, विकर्षण है, जिसकी बात मैंने बताई। आकर्षण क्या है, एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो कि लक्ष्य की ओर हमें ले जाए। जैसे कि हमने जो है माइंड में सेट कर लिया है, उद्देश्य है हमारा कि हमें जो है वो पेपर पास करना है, तो ये हमारा लक्ष्य है और इसकी तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी है विकर्षण, तो कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए आगे जो है कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो यहाँ पर बाधक शक्ति जो कि हमारे संज्ञान में क्या आती है, जो कि हमें लक्ष्य से दूर ले जाएगी कि कहीं मैं पेपर में फेल ना हो जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टोपोलॉजी यानी तल रूप। तो मनुष्य में वातावरण प्रत्यक्षीकरण, यानी वो जो जैसा देखना चाहता है, जैसा देखता है, और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप आकृतिजनक परिवर्तन है। जैसे कि ये क्या है, अगर हम छोटे बच्चे को दिखाएं तो वो सीधा ये बोलेगा कि ये जो है क्या है, गोल गोल जो है वो माँ के हाथों की बनाई हुई रोटी है, ठीक है। वहीं पर क्योंकि उसने उस तरीके से उसका जो है प्रत्यक्षीकरण किया। वहीं पर जो बड़े बच्चे को यदि दिखाया जाए तो वो सीधा इसको क्या कहेगा, वृत्त कहेगा। इसी तरीके से बहुभुज, और इसी तरीके से ये क्या है, अंडे की शेप है, तो इसको जो है छोटा बालक अंडा कहेगा, बड़ा बालक वहीं पर इसको क्या कहेगा, ये आकृति जो है कैसी है, अंडाकार आकृति है, ठीक है। तो जैसा उसने जो है देखा, उसी तरीके से जो है उसने उसको बताया। तीसरी जो है लाइफ स्पेस, यानी जीवन दायरा क्षेत्र, जिसकी बात करते हैं, जहां पर ये सभी जो है क्रियाएं जो है वो हो रही हैं, जहां पर जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, घटना है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। जीवन दायरा वह है जिसमें व्यक्ति जो है वो चेतन अवस्था में उस घटना का प्रत्यक्षीकरण कर रहा होता है, उसे ही लाइफ स्पेस कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक कक्षा में जो है सांप बैठा है, कोई छात्र जो है वो अंदर आया और उसे जो है सांप के होने का एहसास हुआ, तो वह घटना उस व्यक्ति के जीवन दायरे में आएगी। लेकिन उस कक्षा में जो बैठे बालक हैं, जिनको इस चीज का आभास ही नहीं है, तो वो जो है इनके जीवन दायरे में शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हें उन्होंने उसका जो है वो प्रत्यक्षीकरण नहीं किया अभी तक। कुर्ट लेविन ने बताया कि मानव व्यवहार को समझने के लिए लक्ष्य को पहले समझना होगा, ठीक है, और लक्ष्य को समझने के लिए तीन तत्व जो है वो है महत्वपूर्ण है। एक है भर्त्सना यानी आलोचना, जो कि जीवन में उतार चढ़ाव जो है आते हैं। दूसरा है लक्ष्य। लक्ष्य यदि सटीक है तो मानव जो है वो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। और तीसरी जो है वो बाधा या अवरोध है। लक्ष्य के बीच बाधाएं भी आती हैं, यदि लक्ष्य निर्धारित है तो इन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये किसको समझने के लिए हैं, लक्ष्य को समझने के लिए हैं। एक तो क्या है, एक तो लक्ष्य जो कि सटीक होना चाहिए, जिसको पाने के लिए मानव जो है वो कोशिश करता है, बीच में जो बाधाएं आती हैं यदि उनको पार करके आगे निकलता है तो ये लक्ष्य जो है वो और भी आसान हो जाएगा। अब देखिए, इनकी जो फील्ड थ्योरी है, जिसको इन्होंने इस तरीके से समझाया, यहाँ पर ये जो बाउंड्री है जो कि आपको दिखाई दे रही है बड़ी सी, तो ये बाउंड्री जो है जिसको इन्होंने जीवन दायरा क्षेत्र कहा है, ठीक है, और इसी में जो है वो सारी क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है वह कौन सा है, ये जो अंदर जो दिखाई दे रहा है ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है, ठीक है, और यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक व्यक्ति हैं। तो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति तो इसमें जो है उसके साथ उसकी जो नीड है, आवश्यकता जो है, जो कि हमेशा उसके साथ रहती हैं, ठीक है। अब इस मनोवैज्ञानिक वातावरण में जहाँ पर जो वस्तु है, स्थान है, घटना जो है, वो सब कुछ इसमें शामिल होगी, जो लक्ष्य जो है वह भी इसी में आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक वातावरण में आ जाएगा। अब देखिए,
मैं अभी हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सब इसमें आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर लक्ष्य क्या है, ये देखिए ये गोल है, यानी जो भी डिसाइड किया हुआ है ये जो गोल, इसको प्राप्त करने के लिए जो पर्सन है वो सारे प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जो वेक्टर है, यानी वो ड्राइविंग फोर्स जो कि उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वहाँ पर ये जो बीच में जो वैरियर है, यानी बाधाएं हैं, कई प्रकार की बाधाएं जो उसके सामने आएगी, यदि इन बाधाओं को वो पार कर लेगा तो जो है उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए कि सुबह जो है ये जो पर्सन है, यानी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो है, इसका जो उद्देश्य है कि कल मैं सुबह जो है वो जगूंगा और मैं जो है मॉर्निंग वॉक को जाऊंगा, ठीक है। तो यह आकर्षण शक्ति क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि उसने जो मन में डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो है सुबह सुबह उठकर जाना है ताकि मेरा जो है स्वास्थ्य सही हो सके, ठीक है। तो उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके सामने जो बाधाएं आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, कि वो फिर भी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है उसका जो शरीर है वही उसके साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, साथ नहीं दे रहा है, उसके कहीं भी जो है पेन है। तो इस वजह से ये जो बाधाएं हैं, यदि वो इन बाधाओं को पार कर लेता है तो वह गोल को प्राप्त कर लेगा। यानी नींद भी हो सकती है, हो सकता है कि वो जो है रात को डिसाइड कर उसने किया हो कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक को जाऊंगा, लेकिन सुबह जो है उसको नींद जो है जो कि क्या कर रही है, बैरियर यानी बाधा उत्पन्न कर रही है कि वो जो है सुबह न घूम सके, ठीक है। तो ये जो बाधा, यदि यदि वो नींद को जो है वो भगा दे, वो जो है आलस को हटा दे, तो वह अपने गोल को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो जीवन दायरा क्षेत्र है जिसकी बात कुर्ट लेविन करते हैं, ये बोलते हैं कि वातावरण में वे सभी जो है तत्व होते हैं जो कि व्यक्ति को सीखने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो ये जो जीवन दायरा जो है क्षेत्र, ये सिद्धांत किसका है, कुर्ट लेविन का है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा तल रूप सिद्धांत इसको कहते हैं, प्राकृतिक दशा सिद्धांत जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी गणितीय शब्दों का प्रयोग जो है इन्होंने किया वो एग्जाम में आ सकते हैं, टोपोलॉजी, लाइफ स्पेस और वेक्टर्स, तो ये शक्ति, ठीक है, जिनका प्रयोग इसने किया। इसके अलावा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि बिहेवियर जो है जिसमें वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, ठीक है। तो अभी तक जो है जो गणितीय शब्द हैं वही इसके पूछे गए हैं। इसके अलावा ये पूछा गया है कि जो तल रूप सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत है, वह है किसका है, ठीक है। उसके बाद देखिए सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है ये कहता है कि मनुष्य का जो माइंड है, मस्तिष्क जो है, वो हमारे इन्वायरमेंट से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है, उनको जो है वो भंडारित करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उनका उसी रूप में प्रयोग करता है। तो आसान शब्दों में ये सिद्धांत का ये कहना है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित है, माइंड से संबंधित है। तो ये किसकी बात करेंगे, संज्ञान की बात करेंगे। तो ये कैसे जो प्रोसेस है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तथा अधिगम और स्मृति, सीखना और स्मृति, ये आपस में ही संबंधित होते हैं। हम कुछ भी सीखते हैं तो उसको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, उसको हमारे माइंड में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर उसका उसी तरीके से हम प्रयोग करते हैं। अधिगम संपन्न होने के लिए सूचनाओं का स्मृति में भंडारित तो होना जरूरी है। हम कुछ भी चीज जो है वो सीखते हैं, यदि हम उसको अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिक हमारे माइंड में जो है वो सेट हो जाती है। एटकिंसन और सिफ्रिन ने जो है इस सिद्धांत को 1968 में दिया, और इसके जो अन्य नाम है मल्टी स्टोर मॉडल, थ्री स्टोर मॉडल या मॉडल मॉडल मॉडल, ठीक है, इसके अन्य नाम है। मानव के मस्तिष्क की तुलना जो है इन्होंने एक कंप्यूटर से की है, जिस तरीके से कंप्यूटर में हम बहुत सारे जो कार्य करते हैं तो वो उसमें भंडारित तो हो जाता है, ठीक है, और जब हमें उसका उपयोग करना होता है तो वो हमारे सामने आ जाता है। कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं जो है वो प्रेषित की जाती हैं, और उन सूचनाओं का कंप्यूटर द्वारा जो है प्रक्रमण या प्रोसेस कर आवश्यक आउटपुट में परिवर्तित कर दिया जाता है। और उसी प्रकार से मनुष्य का जो है वो मस्तिष्क वातावरण से विभिन्न प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको ग्रहण करता है, उन्हें संशोधित करके भंडारित करता है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो उनका जो है उपयोग करता है।
स्मृति तंत्र में तीन तत्व जो है सम्मिलित तो होते हैं, कूट लेखन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। तो सबसे पहले है कूट लेखन। कूट लेखन क्या होता है कि हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं तो उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको अपनी विशिष्ट भाषा परिवर्तित करना, ये होता है कूट लेखन। और दूसरा होता है भंडारण, जो भी विशिष्ट कूटों में परिवर्तित सूचना का भंडारण जो है मस्तिष्क के विशिष्ट भागों में होता है, ठीक है। और उसके बाद जब भी आवश्यकता पड़ती है तो ये जो भंडारित सूचनाएं हैं इनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन तीन तत्व जो हैं इनके द्वारा ही हमारी स्मृति में जो भी कुछ स्टोर होता है उनको हम आवश्यकता पड़ने पर उनका क्या कर सकते हैं, रिट्राइवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इनकोडिंग। इनकोडिंग यानी कि हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं उनके द्वारा सूचनाएं जो है वो विशिष्ट भाषा में चेंज हुई, और उसके बाद चेंज होने के बाद हमने जो है उसको क्या किया, भंडारित कर लिया, ठीक है। और भंडारित करने के बाद जब हमें आवश्यकता पड़ी तब हमने जो है क्या किया, उनका प्रयोग कर लिया। मस्तिष्क में उपस्थित न्यूरॉन्स द्वारा सूचनाओं को अपनी विशिष्ट भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कूट लेखन कहा जाता है, एनकोडिंग कहा जाता है। विशिष्ट कूटों में परिवर्तित सूचना का भंडारण मस्तिष्क के विशिष्ट भागों में होता है, और यह भंडारित सूचना जो है आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त की जा सकती है। इस मॉडल में स्मृति के जो है तीन प्रकार बताए गए हैं। तो स्मृति तंत्र जो है वो तीन तत्व थे, कूट लेखन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। तो यहाँ पर स्मृति के तीन प्रकार हैं, यानी कि स्टोरेज जो है वह है कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले है संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। तो यहाँ पर जब व्यक्ति वातावरण में जो है कोई भी जो संवेदन है उसका अनुभव करता है, तो जो अनुभव करता है वो कैसे करेगा, जो हमारी संवेदी ग्राहक अंग जो हैं यानी आंख है, नाक है, कान है, इससे ही करता है। सबसे ज्यादा जो है आंख और जो कान है उससे ही करता है। यानी हम सबसे पहले कोई चीज को देखते हैं और उसके बाद जो है उसको जब हम सुनते हैं तो ये चीज जो है वो हमारे माइंड में चली जाती है। हमारा माइंड ये डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सी चीज जो है जो हमारे काम की है, जो हमारे काम की है तो वो चीज जो है हमारे यहाँ स्टोर हो जाती है, और जो काम की नहीं है, जो अनावश्यक है, वो लुप्त हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे सामने जो है वो दिन भर देखिए बहुत सारी घटनाएं जो है घटित होती हैं, उनमें से कितनी घटनाएं जो है जो कि हम याद रख पाते हैं। जहां हमारा माइंड ये देखता है कि ये जो है जरूरी है सूचना, तो उसको जो है माइंड जो है यहाँ पर स्टोर कर लेता है। तो ये जो तंत्र है संवेदी स्मृति, यहाँ से इसको जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी लघुकालीन स्मृति में इसे भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर संवेदी स्मृति में लगभग 1 या 3 सेकंड तक ही सूचनाएं जो है स्टोर रहती हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि वो सूचना जो है वो हमें याद रहे, तो हम उसे लघुकालीन स्मृति जो है वहां पर भेज देते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है वो खुद ब खुद जो है यहाँ पर इसको भेज देता है, ठीक है। और इसमें जो सूचनाएं हैं वो लगभग 30 सेकंड तक जो है स्टोर होती हैं। यहाँ पर स्मृति में जो सूचनाएं हैं वो वर्तमान उपयोग के लिए भंडारित तो होती हैं, कि हमारे जो है काम में ये चीज आ सकती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप जो है वो पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें जो है आपने यहाँ पर सुनी, ठीक है। तो लगभग 30 सेकंड तक आपको ये चीजें जो है वो याद रहने वाली हैं। अगले 30 सेकंड के बाद जो है वो आप इन चीजों को याद रख भी पाएंगे और भूल भी सकते हैं। लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे याद रखना है तो आप जो तीसरा तंत्र है दीर्घकालीन स्मृति, इसमें आप इसको भेज दोगे, ठीक है। यहाँ पर भेजने के बाद ये जो है परमानेंट जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, फिर आप इसको नहीं भूलोगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दीर्घकालीन स्मृति में आपको जो भी सूचनाएं हैं यहाँ भंडारित तो जो है वो हमेशा के लिए तभी तक हो सकती हैं जब आप उसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अभ्यास जो है उसका रोल जो है यहाँ पर रहेगा। तो संवेदी स्मृति में 1 या 3 सेकंड तक जो है सूचनाएं भंडारित होती हैं, उसके बाद लघुकालीन स्मृति में 30 सेकंड तक जो है भंडारित होती हैं। परमानेंट जब भी हो सकती हैं जब आप उन चीज की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहला जो स्मृति का तंत्र है वह है संवेदी स्मृति। तो जब व्यक्ति किसी संवेदन का अनुभव करता है, चाहे वो देखकर करे या सुनकर करे, तब यह संवेदन उसके संवेदी स्मृति में भंडारित हो जाती है। संवेदी स्मृति में सूचनाएं जो हैं वो 1 या 3 सेकंड के लिए ही भंडारित होती हैं। यदि मस्तिष्क द्वारा उसे आवश्यक समझा जाता है, मान लीजिए रास्ते में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम देखते हुए जाते हैं, लेकिन कितनी चीजों को हम याद रख पाते हैं, हमें जो जरूरत होती है, जरूरी होता है, उसी चीज को जो है वो हम अपने माइंड में
रख पाते हैं और बाकी चीजों को भूल जाते हैं। इस प्रकार विशेष ध्यान दिया जाता है और ये सूचना स्मृति के अगले तंत्र में जो है वो भेज दी जाती है। ठीक है, यदि मस्तिष्क द्वारा यह सूचना अनावश्यक समझी जाती है तो यह लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए लघुकालीन स्मृति, यहाँ जो सूचनाएं हैं वो लगभग 30 सेकंड तक जो है वो भंडारित तो होती हैं। लघुकालीन स्मृति में सीमित मात्रा में ही सूचनाओं का भंडारण जो है वह किया जाता है। यहाँ पर जो है बहुत सारी सूचनाएं होंगी जिसमें से सीमित मात्रा में जिनको हम सोच रहे हैं कि इनको याद रखना बहुत जरूरी है, इन सूचनाओं को भंडारित किया जाता है। उसके बाद देखिए मिलर के अनुसार यह सीमा जो है 7 प्लस या माइनस 2 होती है, यानी कि 7 में यदि हम 2 घटा दें तो कितना आएगा 5, और 7 में 2 जोड़ दें तो क्या आएगा 9। तो ये जो स्टोरेज की जो सीमा है, भंडारित की जो सीमा है, मिलर ने क्या बताई है कि 5 से लेकर 9 तक के बीच में होती है, और 7 को जो है वो मैजिकल नंबर कहा गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। इस स्मृति में सूचनाएं जो है वो वर्तमान उपयोग के लिए जो है भंडारित होती हैं, इसीलिए इसे जो है किसे लघुकालीन स्मृति को कार्यशील स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। एग्जाम टाइम में हम जो भी चीजें याद रखते हैं या फिर हम कोई भी चीज याद करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर जो है ये होगा, तो ये लघुकालीन स्मृति की बात होती है, जो भी स्टोर होता है याद करने पर याद आ जाए। यहां से सूचनाएं जो है वो संशोधित होकर कहाँ भेज दी जाती हैं, दीर्घकालीन स्मृति में भेजी जाती हैं। दीर्घकालीन स्मृति में असीमित मात्रा में सूचनाएं जो है वो भंडारित की जा सकती हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थायी तंत्र कहते हैं। यहाँ पर आके जो है स्थायी हो जाती हैं सूचनाएं, इसमें सूचनाएं जो है जीवन पर्यंत जो है वो भंडारित रह सकती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमने एक्सपीरियंस से सीखा है। क्या वो भूल सकते हैं, हम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, जो कि जीवन पर्यंत भंडारित रह सकती हैं। और यहाँ पर अनुभव और अभ्यास दोनों ही के कारण जो है ये सूचनाएं जो है स्थायी हुई। पुरानी स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है वो दीर्घकालीन स्मृति का ही उपयोग करता है। ठीक है, हमारी जो भी पुरानी स्मृतियां हैं, मान लीजिए कि किसी के बर्थडे की डेट जो है वो क्या है, तो ये हमारी पुरानी स्मृति है जिनको हम याद करेंगे फटाफट से याद आ जाएगी। तो यहाँ पर ये थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है, और बार बार इनको पढ़िएगा, अभ्यास करिएगा, ताकि दीर्घकालीन स्मृति में ये सूचनाएं जो है वो आपकी भंडारित हो सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।